अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अवैस आज़म और ये मेरा चैनल है अवैस आज़म टेक्निकल यूट्यूब। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस क्या है और इसे किसने बनाया, कब बनाया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके कितने प्रोग्राम्स हैं और उनसे क्या क्या हो सकता है। ये तो था हमारा ओवरव्यू। अब मैं आपको इसके प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा। पहले स्टार्ट करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से और ये क्या है, इसे हम किस काम में यूज़ करते हैं, इसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं हम। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है मैंने, देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पिछली वीडियो हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डेफिनेशंस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स क्या हैं। ये पांच प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये ओवरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी डिटेल्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज़र इंटरफेस वो मैं आपको बताऊंगा, इसके फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, शॉर्टकट कीज एंड प्रोजेक्ट्स। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और यूज़र इंटरफेस को कवर करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसको आपको मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होती हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है? ये कुछ स्प्रेडशीट हैं। स्प्रेडशीट उसे कहते हैं कि कोई अगर ये इनमें से मैं ये लाइंस और ये कॉलम्स हटा दूं तो ये एक सिंपल पेपर बन जाएगा, जो कि एक सिंपल सा कागज़ का टुकड़ा होगा। लेकिन अगर मैं उसमें ये लाइंस डाल दूं, जैसे रॉ और कॉलम कहते हैं, जो नीचे की तरफ आ रही है इसे रॉ कहते हैं और जो इस तरफ जा रही है कर्सर के इस तरफ इसे कॉलम कहते हैं। अगर मैं इनमें रॉ और कॉलम डाल दूं तो ये एक स्प्रेडशीट बन जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट रिलीज मैकिंटोश सिस्टम इन 1985, फॉलोड बाय द फर्स्ट विंडो वर्जन 1987। द फॉलोइंग इज़ अ ऑफ एक्सेल रिलीज फॉर विंडोज़। एक्सेल 2.0, एक्सेल जो सबसे पहले रिलीज़ हुआ था वो था एक्सेल 2.0 1987 में। इतना पुराना प्रोग्राम है ये। फिर उसके बाद 3.0 रिलीज़ हुआ था 1990 में। फिर उसके बाद 4.0 रिलीज़ हुआ था 1992 में, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया था और ये इंक्लूड हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम हम सुनते हैं, ये 1992 में इसको एक किट बना दी थी जिसमें चार पांच प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया था। फिर उसके बाद 5.0 रिलीज़ हुआ था 1993 में। फिर उसके बाद ये एक्सेल 2000 में इंक्लूड हुआ था। उसके बाद ये एक्सेल 2002 में इंक्लूड हुआ था ऑफिस एक्सपी के नाम से। फिर उसके बाद से फिर ये 2003 में इंक्लूड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, फिर 2007, फिर 2010, फिर 2013। ये इसका लास्ट वर्जन नहीं है, ये इसके बाद भी रिलीज़ अब हुआ है 2016 में।
जो ये देखो, ये कितने 3 3 साल के बाद ये अपना वर्जन रिलीज़ करते हैं। 2003 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 2010 में हुआ है, 2013 में, और अब 2016 में। देखो, एक्सेल का और ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है, छोटा मोटा सा डिफरेंस है और सब वही काम होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन एक्सेल का। चलें अब इसके इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है किसी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, यानी जो उसका इंटरफेस। फेस से आप तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि फेस जो नज़र आए, यानी जब भी आप एक्सेल को खोलो, ओपन करो, तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आए वो उसका इंटरफेस कहलाता है। जैसे आपने खोला और एक्सेल को, तो ये इसका इंटरफेस है, ये फाइल है, ये कस्टमर आईडी है, ये इसकी शीट है, ये नंबर है, ये इसके प्रोग्राम है, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स एड ऑन हेल्प, ये सब इसका इंटरफेस कहलाएगा। चलें इसके इंटरफेस चेक करते हैं। इसके इंटरफेस हैं, मैं अपना वर्ड ओपन कर लूँ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि इसके प्रोग्राम नज़र नहीं आते डेस्कटॉप्स वगैरह पे, तो इसको सर्च करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने टास्क बार में सर्च प्रोग्राम फाइल में टाइप करें एक्सेल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा। ये हमारे पास ओपन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको हमने बड़ा कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये इसका इंटरफेस है, इसका माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस ये है। ये जो आइकन आपके ऊपर दिख रहा है फाइल, इसे फाइल कहते हैं। ये इनका लोगो है। बहुत से वर्जन्स में ये फाइल, तो अभी ये न्यू वर्जन्स में आया है, इससे पहले यहाँ इनका ऑफिस का लोगो था जिस पे ये फाइल है। अभी इस फाइल पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि फाइल सेव करने का तरीका, सेव एज, ओपन, क्लोज। आप अपनी फाइल को क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं, इन्फो, रिसेंट, न्यू फाइल, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं फाइल, उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? वो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की है सेव कंट्रोल एस। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है ये भी शो नहीं हो रहे, ये भी होंगे। ये मैंने कुछ अपना वर्क किया है यहाँ पे। उसके बाद देखें, एक ऑप्शन शो हो रहा है, एक नहीं शो हो रहा। ये बैक और फॉरवर्ड के टूल बार हैं, इसको आप बैक करें। ये देखें, जो मैंने किया था वो बैक हो गया। इसको और बैक करें, और बैक करें, तो ये बैक हो गया। और ये इसका फॉरवर्ड करें तो ये जो जो बैक हुआ था वो सब फॉरवर्ड हो रहा है। और ये जो है इस टूल बार का नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप अपने वर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट रिव्यू, स्पेलिंग, शॉर्ट असेंडिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है टाइटल बार।
टाइटल बार क्या होती है? टाइटल बार तो आपको हर प्रोग्राम में मिलेगी, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई भी पीसी का इंटरफेस हो, उसमें आपको टाइटल बार ज़रूर मिलती है। टाइटल बार इसे कहते हैं, यह है टाइटल बार, यहाँ लिखा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन जो है वो ये है, कंट्रोल बटन जिससे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या आपने इसको मिनिमाइज़ कर दिया तो ये इससे हाफ हाफ ये हो रहा है, इसे थोड़ा छोटा, उसे अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, जितना बड़ा आपको रखना हो ब्राउज़र विंडो की मुताबिक, ये आपके ऊपर है, और इससे आप क्लोज़ कर सकते हैं। ये हैं कंट्रोल बार बटन्स। उसके बाद हैं रिबन टैब्स। रिबन टैब्स क्या होते हैं? रिबन टैब्स ये होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाते हैं सब रिबन टैब्स। इनमें ये चेक करते हैं, ये हैं सारे रिबन टैब्स। ये पूरा टैब्स जो हैं वो ये हैं, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे इसके टैब्स हैं। बारी बारी हम सारे टैब्स को पढ़ेंगे। ये टैब्स हैं फिलहाल, तो ये होम टैब्स है। जब भी आप ओपन करोगे एक्सेल को तो ये होम पर शो होगा। ये इसके ये हैं ऑफिस हेल्प बटन। ये ऑफिस के हेल्प बटन हैं। देखें ये जो थे, ये कंट्रोल बटन थे, ये पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे हम, तो ये पूरा प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। और ये सिर्फ शीट का के कंट्रोल बटन है, इससे सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा शीट पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे इसको अगर मैं दबा दूँ ये रिबन को, तो ये क्लोज़ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, इधर हो रहा है, और ये इसी तरीके से ये सारे शीट के फंक्शंस हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? मेन बॉक्स। ये था रिबन टैब। उसके बाद ये है मेन बॉक्स। मेन बॉक्स में हमारा क्या है? मेन बॉक्स में हमारा ये फॉन्ट्स की थीम्स हैं। अगर हम मिसाल के तौर, अगर हम कुछ चाहें टाइप करना, टाइप करते हैं, पहले सब रिमूव कर दें, इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कुछ लिख दिया और इस आसम, तो ये देखें ये कॉलम से हमारे बाहर जा रहा है, ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के हमने बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया। अब इसको आप स्टाइल दे सकते हैं, जैसे मैंने अगर इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी उसको फॉन्ट दे दूँ, जैसे मैंने यहाँ ये फॉन्ट दिया, तो ये यहाँ ये फॉन्ट पर फ़र्क पड़ रहा है। अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप इस पर फॉन्ट दे सकते हैं, और ये फॉन्ट के साइज़ हैं, यहाँ से फॉन्ट के साइज़ बढ़ाएंगे इसको जितना बड़ा आप करना चाहो, 32, 34, 36। वैसे नॉर्मली ये 12 पर रहता है। फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से ही बड़ा कर सकते हो, या इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि आप इससे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बड़ा, जितना बड़ा भी आप करना चाहो उतना बड़ा आप इसको कर सकते हो। और ये इसका आपने सॉफ्टवेयर, अगर अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा है या उस काम किया है, तो उसे ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सब सेम एज इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। और ये इससे अगर आप इसको डार्क करना चाहो, बोल्ड, तो इससे ये बोल्ड होगा, इससे इटैलिक हो सकता है, थोड़ा सा क्रॉस हो गया। और ये अंडरलाइन करना हो टेक्स्ट को, तो इससे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, और इनको दोबारा प्रेस करने से ये डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट होगा। ये क्या है? ये बॉर्डर है, पेज का बॉर्डर। अगर आपको कोई टेबल वगैरह कोई आप क्रिएट करो, जैसे ये इसके चारों तरफ बॉर्डर शो हो रहा है, ये बॉर्डर है नहीं, ये मैंने प्रेस किया हुआ है सिर्फ, ये इसका अपना बॉर्डर नहीं है, ये सिलेक्शन का बॉर्डर है। अगर आप कोई बॉर्डर चाहो, जैसे
मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर क्या है। जैसे कि मैंने क्लोज़ किया, अब मैंने एक हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10, ये हमने इसको वापसी कर देते हैं। ये हमने एक एक गिनती लिखी है, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि इस एक को हमें अगर यहाँ तक लिखना हो, अगर हम बारी बारी टाइप करें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम यहाँ से इसके किनारे पर लेके जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा, सिर्फ इसे प्रेस करके इसको खींच लें नीचे तक, जितनी मर्ज़ी आप चाहें उसको नीचे तक ला सकते हैं, तो ये सब पर एक लिखा आ जाएगा। यही आप हम दो के साथ कर सकते हैं, इसको हम जहाँ तक लेकर आए तो ये दो हो गया, और ये तीन, और ये चार। इसी तरह बाकी सबके साथ भी हम यही करेंगे। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी एक टेबल क्रिएट करी है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिख दिया, यहाँ रोल लिख दिया, ये इसका फॉन्ट साइज़ तो ये छोटा कर लूँगा, यहाँ रोल लिख दिया, यहाँ क्लास लिख दिया, यहाँ पर एज इट इज़ कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब देखें गौर से, अब ये ज़रा देखें कि टेक्स्ट जो है हमारा ये क्रॉस में जा रहा है यहाँ से लेफ्ट साइड पे। अब हमें इसको सेंटर में लाना हो तो हम क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे इसको, इसकी ये अलाइनमेंट है, इसको हम सेंटर करेंगे, राइट कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, जैसे आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये सबको करना है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सेंटर कर देंगे। उसके बाद अगर हम, ये तो थी हॉरिजेंटली हमने इसको कर दिया, अब हम चाहें इसको ऊपर से, तो हमने राइट लेफ्ट से सेट करा। अब इनको चाहें हम अप डाउन से सेट करना, सेंटर करना, तो उसके लिए ये अलाइनमेंट दी है कि इसको हम ऊपर कर लें, छोटा कर लें, नीचे कर लें। ये हमें आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सेल बराबर है। जब हम इसे टेक्स को बड़ा करेंगे, सेल बड़ा होगा तब हमें नज़र आएगा ये। अच्छा, तो देखें, अब हमने अगर ये शीट बनाई है मिसाल तौर पे एक, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये एक हेडिंग दें। हेडिंग किस तरह देंगे, हमने ये सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज क्या होता है, मर्ज उसको कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में मर्ज को कहते हैं मिलाना, दो चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देना। तो हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये सारे मर्ज और सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा तो ये हेडिंग आ गई। अब देखें, मुझे इसको सेंटर करना नहीं पड़ा कि मैं यहाँ से फिर सेंटर करता है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब इसको हम स्टाइल दे सकते हैं कि हम इसको कोई भी जो कलर टेक्स्ट का रखना हो, जैसे हमने ग्रीन दे दिया, ग्रीन कलर आ गया। अब ये इसका बैकग्राउंड कलर है, कोई भी किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया,
बैकग्राउंड कलर आ गया। अब देखें ये इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। अब हमें इसको बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर जहाँ तक हमें बॉर्डर देना हो वहाँ तक उसको सिलेक्ट करके उसके बाद ये बॉर्डर्स हैं। अब देखें यहाँ पे बड़े बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, यहाँ पर देखें बाकायदा बॉक्स बने हुए हैं। लेफ्ट बॉर्डर यानी बस ये यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर आएगा, बॉटम बॉर्डर नीचे, नो बॉर्डर, अब बाय डिफॉल्ट ये नो बॉर्डर है, कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर, तो ये चारों तरफ बॉक्स के बॉर्डर कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करूँ तो ये इसके चारों तरफ बॉर्डर आ गए, चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गए। उसके बाद अगर हमें अन बॉर्डर करना हो, मैंने सेलेक्ट किया इसको, नो बॉर्डर कर दिया, तो अब ये नो बॉर्डर हो गया। ये हमें अगर इसके चारों तरफ डबल बॉर्डर, ये है डबल बॉर्डर, अगर हमें इसे डबल बॉर्डर देना हो बॉटम पर, तो हमने क्लिक किया, ये बॉटम पर बॉर्डर डबल आ गया। इसको हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आपको देना हो बॉर्डर ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, थिक बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, किसी भी टाइप का आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर का कलर है, यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज हो सकता है, कोई भी कलर आप कर लो। ये बॉर्डर का स्टाइल है, किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए हर तरीका और ये मोर बॉर्डर है, ये तो नेट से होता है, अगर आपका नेट नेट कनेक्ट है तो इसको आप करेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे बॉर्डर आ जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से आपको जो बॉर्डर देना हो वो आप वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने टेक्स्ट की थीम चेक कर ली, सब कुछ इस लाइन में हमने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ भी सब कुछ हो गया। उसके बाद ये रोटेशन है, टेक्स्ट को रोटेट करना, इससे टेक्स्ट रोटेट होता है, ये इस तरफ को हो रहा है, ये वर्टिकली टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट अप हो गया, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ आप इसको जैसा चाहें वैसा इसको आप कर सकते हैं। इसको अभी मैं फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये था। वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक्सेल है इस पर हम जो है सिर्फ स्टाइल शीट वगैरह बनाते हैं, जो हमारे मैथमेट के काम होते हैं, अकाउंट डिटेल वगैरह ये सब करते हैं, ये डिज़ाइन और शेडिंग वेडिंग ये सब इसके इस्तेमाल में नहीं आता। ये सब सारी चीज़ें हम वर्ड में करते हैं, जब हम वर्ड पढ़ेंगे तब हम वर्ड में चेक कर बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद ये है रैप टेक्स, रैप टेक्स को जब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ जाना चाहिए। देखें ये टेक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट, ये चलो मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ टेक्स लिखा, ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं, मेरा टेक्स्ट जा रहा है यहाँ कॉलम से बाहर। अब अगर मैं इसको ये रैप टेक्स्ट कर दूँ तो ये कॉलम के नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप करूँगा तो ये कॉलम अपनी जगह ले लेगा, ये खुद बहुत कॉलम के नीचे आ जाएगा। तो ये था रैप टेक्स्ट, ये हमारे सेंटर में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो है हमारा जनरल, इससे हम ये यूज़ होता है बेसिकली, ये नंबर्स का सारा है, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास नंबर है, इससे मैं क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल होता है, हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करें ये सब जनरल आएगा। अगर हमें कोई कोई नंबर लिखना हो तो हम यहाँ पे इसको इसमें कर देंगे नंबर, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखें तो ये हमारा इसमें आ गया 0.00 में। उसके बाद हम इसको करेंसी में कर दें तो ये करेंसी में आ गया। उसके बाद हम इसको अकाउंटिंग में कर दें तो ये अकाउंटिंग में हो गया। उसके बाद इसको हम अलग अलग फॉर्मेट हैं, हर तरीके से हम कर सकते हैं, इसको डेट में कर दें तो ये डेट डेट बन गई, ये लॉन्ग डेट हो गई, ये टाइम टाइम, ये फॉर्मेट हैं ये जो ना,
परसेंटेज में करना है, परसेंटेज में हो गया, फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में आ गया, साइंटिफिक टेक्स्ट वगैरह टेक्स्ट में करना है तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे मोर भी हैं, यहाँ से हम सारी सेटिंग कर सकते हैं, जनरल नंबर, करेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे वही हैं, ये उसी के ऑप्शन है, जनरल के ऑप्शन है, यहाँ से आप शॉर्टकट दिया हुआ है कि इसको यहाँ से डॉलर में कर दो, अकाउंटिंग में पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद इसको बाई डिफॉल्ट जनरल पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये है, अच्छा ये जो है ये ज़ीरो लगाने का है, यहाँ से हमने ज़ीरो लगा देते हैं तो ज़ीरो बढ़ रहा है, और अगर यहाँ से करें तो ये ज़ीरो कम हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने बनाए हैं प्रीसेट्स, ये वो हैं स्टाइल्स जो बनाए हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कंडीशन में आए, अभी ये टेबल का चेंज हो गया, ये इसके डिज़ाइंस हैं, ये कलर्स हैं जिस टाइप के आप रख सकते हैं, ये आइकन्स में अगर आप करना चाहें तो ये आके आइकन्स में आ गए। उसके बाद ये सारी चीज़ें, और ये फॉर्मेट हैं, टेबल टेबल फॉर्मेट हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबलें इन्होंने बना बनाई हुई हैं इसमें, इनका भी मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये कोई बेहतर तो यही है कि आप खुद बनाएं, क्योंकि ये आपके मुताबिक नहीं बनी होंगी, इनको आप डिज़ाइन तो कर लेंगे लेकिन आपको आगे परेशानी होगी। इसको भी हम बाद में जब डिटेल में जब एक एक चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सेल को स्टाइल देना है कि सिर्फ एक सिंगल सेल पर जो स्टाइल देते हैं, ये वो है सारी, ये हेडिंग वेडिंग ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये है इंसर्ट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज। अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा इंसर्ट, तो ये एक कॉलम इंसर्ट हो, एक रो इंसर्ट हो गई, ठीक है, कि ये नीचे चला गया, इसका मकसद एक रो इंसर्ट हुई है, रो जो नीचे की तरफ जा रही है उसे रो कहते हैं। उसके तो बाद अगर मुझे इसको कॉलम इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, उसके बाद में इंसर्ट सेल, तो यहाँ पे आपका आ गया इंटायर कॉलम और इंटायर रो। अगर इंटायर मैं कॉलम करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम मिल गया, ठीक है, और अगर मैं इंटायर रो करूँ तो ये मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ एक मिल गया। तो ये है कि ज़रूरत बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये काम की नहीं है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो ये बहुत बहुत अहम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें हैं फॉर्मूले की, फार्मूला सम, एवरेज फार्मूला, ये सब हम जब फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें हम चेक करेंगे। ये भी सारी चीज़ें हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, कमेंट, शॉर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसे ही। अभी तो फ़िलहाल ये इस काम की नहीं है, इतनी काम की नहीं है हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में, हमें बहुत कम ही ज़रूरत पड़ेगी तो जब हम इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है ये कॉपी पेस्ट का, ये हमारा रिबन बार कंप्लीट हो गया, रिबन बार में बस इतना ही था। अच्छा उसके बाद जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार क्या है, फॉर्मूला बार ये है कि हर सेल के पास अपनी फॉर्मूला बार होती है, अगर मैंने यहाँ क्लिक करा है तो इस सेल की ये फॉर्मूला बार है, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये सेल की फॉर्मूला बार है, यहाँ मैं जो लिखूँगा वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये जो है ये फॉर्मूले के हैं, इंटर डिलीट वगैरह फॉर्मूले जो आपको करना हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये सेल का नंबर है, अगर मैं हर सेल का एक नंबर होता है, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूँ तो ये कॉलम नंबर आ गया, ये इसका कॉलम नंबर है, ये कॉलम नंबर है, और ये 6 रो नंबर है, तो ये इसका एड्रेस क्या हो गया,
नेम बॉक्स का, बॉक्स का नेम क्या है गया A6। अगर मुझे यहाँ इस सेल को अगर मुझे सिलेक्ट करना था, बता मैं क्या करूँगा। मैं इस क्यू क्यू को, ये हमारा क्यू जो है, ये हमारी रो है, और जो हमारा कॉलम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने यहाँ करा तो ये इसकी 8 जो है, ये इसका रो नंबर है, कॉलम नंबर इसका क्यू है, तो ये Q8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर टाइप करूँगा Q8, तो तब भी ये इसी को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारी जो थी ये कॉलम हेडिंग है और ये रो हेडिंग है। ठीक है, और ये, अच्छा हाँ, ये कॉपी पेस्ट है। अगर जैसे मुझे ये, इसको मैंने अपना कॉपी कर लिया और यहाँ ला के मैंने इसको कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी, तुमने इसको कॉपी करा, कंट्रोल वी प्रेस करके ये पेस्ट। चलें अब बाकी चीज़ें ज़रा जल्दी जल्दी कर लें, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है, लंबी हो रही है, फिर वो व्यूवर्स को प्रॉब्लम होती है रेंडरिंग वगैरह करने में कि भाई वीडियो लंबी हो गई। अच्छा, ये हमने सारा, ये तो इंटरफेस इसका ऊपर का सब तो हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, ये भी हो गई। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये शीट्स हैं, शीट हैं, ये एक शीट, दो शीट, तीन शीट, जितनी भी आप शीटें बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। यहाँ से शीट क्रिएट होती है, चार कर लें, पाँच कर लें, तीन कर लें, और ये शीट के कंट्रोल, अगर जब शीट ज़्यादा हो जाएंगी कि पार से बाहर निकल जाएंगी तब हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ये रूलर है, हॉरिजॉन्टली रूलर और वर्टिकल रूलर, इससे जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमारा कंटेंट जो है, रो है, वो इससे बाहर चले जाए तो ये रूलर से ही होगा, इससे ऊपर नीचे हो सकता होता है। और ये जो हमारे पास है, ये जूम आउट और इन है, इससे हम स्ट्रीट को जूम कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है, ये लेआउट है, इसको हम लेआउट, पेज ब्रेक, रिव्यू, ये अलग अलग तरीके से आपको नज़र आएगा, ये आप चेक कर लेना। अच्छा, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। तकरीबन हमने सारी चीज़ें इंटरफेस में जो थी वो सब हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद, अच्छा, अब ये टैब्स रह गए, ये टैब्स हैं, ये होम का टैब, ये इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के टैब में जो काम की चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में आएंगी वो मैं आपको बता दूँ कि ये सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ये टेबल है, अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी हो तो वो मैं इस तरीके से करूँगा। ये हमारी टेबल एक क्रिएट हो चुकी है, ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई, इसको हम जितना भी मैं बड़ा कर लूँ तो ये मेरी, इससे टेबल क्रिएट हो गई। इसको मैंने दबाया, ये इतना हिस्सा टेबल में आ गया, इसको मैं ओके करूँगा, ये टेबल बन गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो है, ये पिक्चर्स है, अगर कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी हो तो मैंने ये दबाया, इस पर क्लिक किया, डाउनलोड में हम चले गए, यहाँ हमने कोई सी भी पिक्चर, ये पिक्चर को इंसर्ट कर दिए, पिक्चर इंसर्ट हो गई। इसको पिक्चर को हम कर लें छोटा, पिक्चर को हम छोटा कर कर इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं, ये पिक्चर्स की फ्रेम है, इसको जिस फ्रेम में हमें करना हो, जो शेप हो, वो शेप में हो जाते हैं। ठीक है, ये पिक्चर का कलर है, पिक्चर का आप जो कलर, पिक्चर का बॉर्डर कलर है, जो पिक्चर को जो बॉर्डर हमें देना हो वो हम इससे बॉर्डर दे सकते हैं। पिक्चर के इफेक्ट हैं, ये इसके शेडो वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये ग्लो है, पिक्चर को ग्लो किस तरह करते हैं, कितनी ग्लो होती है पिक्चर, ये वो सारी चीज़ें हैं। पिक्चर्स के लेआउट हैं सारे, ये अपने उस पर हो जाएंगे। उसके बाद ये सारी अलाइनमेंट वगैरह हैं, पिक्चर रोटेट होती है, जितनी आप उसको रोटेट कर लें, ये क्रॉप, पिक्चर को जो क्रॉप कर लें, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट का टैब है, ये सिर्फ तब आएगा जब हम किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग करें, जैसे पिक्चर विक्चर हो गई तो उसका ये
तब ये आएगा, इस तरह ही नहीं आएगा। ठीक है, चैन सर्किट है, में एक क्लिप आर्ट है, ये भी हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब उसे पढ़ेंगे। ये हमारे पास शेप्स हैं, हम शेप भी बना सकते हैं। कोई हम शेप बना लिया हमने, उसके ऊपर ये फॉर्मेट टेबल आ गई, जो भी हम कंटेंट आएंगे उस पर हम यहाँ पे उसका फॉर्मेट का कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक बना सकते हैं, इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट को हम, यहाँ से हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको हम डिज़ाइन दे दिया, कलर दे दिया, ये टेक्स्ट को हमने फिल कर लिया। उसके बाद हमने टेक्स्ट फिल हो गया, ये टेक्स्ट की आउटलाइन वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये ब्रिंग फॉरवर्ड बैक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये स्मार्ट आर्ट है, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं। ये बहुत डिटेल में स्क्रीन शॉट है, ये हमें स्क्रीन शॉट लेना है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास टैब हैं वो सारे शो हो रहे हैं कि हमें किस पे कौन सी विंडो पे लेना है। ये हमने इसको सेलेक्ट करा, ये स्क्रीन शॉट हमारे पास आ गया, ये हमने इसको स्क्रीन शॉट ले लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, इंसर्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स है, या मेरे को टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना हो, हमने इसको ले लिया, यहाँ पे टाइप कर लिया कुछ भी, हम यहाँ पे जो टाइप कर लिया यहाँ पे, ये एक हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इसको भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को, इसके बाद फिर जब हम इसमें वो करेंगे सारी चीज़ें, सेम चीज़ें जो हमने पिक्चर्स पे कही थी वो सारी चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं। जो उसके बाद हमने ले, हम थोड़ा सब साफ कर लें, क्लियर कर लें, तो कुछ नज़र तो आता है। अच्छा उसके बाद जो है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों के इस्तेमाल में तो नहीं आएंगी, हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे इसको। अच्छा ये जो है, ये हाइपरलिंक है, ये एक शीट से दूसरे शीट्स में कनेक्ट करने में होती है। अगर मैं इसको दबाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख के इसको मैं हाइपरलिंक, इसको मैं कुछ दे दूँ कि चले, हाइपरलिंक का अभी कोई काम नहीं है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपको बस समझा दूँगा। हाइपरलिंक बेसिकली इससे एक शीट से दूसरे शीट्स में हम जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई टेक्स्ट लिख कर उसको अगर मैं हाइपरलिंक कर दूँ तो उससे ये लिंक बन जाएगा, इससे हम क्लिक कर कर फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, किसी भी लिंक पर हम जा सकते हैं। इन डिटेल जब पढ़ेंगे अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये वर्ड आर्ट हैं सारे, ये हमने कोई टेक्स्ट क्रिएट किया, ये आर्ट आ गया। ये सारे सिग्नेचर वगैरह हैं इसके, ये भी हमारे काम के नहीं हैं। ये सारे इक्वेशंस वगैरह हैं इसकी, कि हमको इक्वेशन लिखनी हो तो ये वो हैं। ये सिंबल्स हैं, जैसे हम सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ये पी का करते हैं अक्सर, पी वगैरह आता है, ये एट आता है, ये कॉपीराइट का ये साइन आता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला बार में शो हो रही हैं। इंसर्ट का ये आ गया, ठीक है, ये इंसर्ट का टैब था। उसके बाद ये पेज लेआउट है, पेज लेआउट जो है वो ये पेज लेआउट में अब बेसिकली अपनी इसकी थीम्स होती हैं सारी, ये सारी इसकी अपनी थीम्स है, लेकिन ये आप अप्लाई नहीं करना। अगर ये आप अप्लाई कर देंगे तो फिर ये पूरे पेज में आ जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। कि अगर आप कहीं कुछ चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, तो वो फिर नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे शीट पर ये डिज़ाइन होता है, एक्ट करती है। उसके बाद ये कलर्स वगैरह हैं सारे, इससे पूरी शीट के कलर चेंज होते हैं। ठीक है, ये कस्टमाइज नहीं है, इसको अपनी मर्ज़ी के कलर करने के लिए आपको फिर कहीं और से दूसरे तरीके से होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। इससे ये पूरी थीम है, ये पूरे पेज पे इस पर कलर होंगे, मल्टी कलर। ठीक है, ये फॉन्ट पूरे पेज के फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, ये पूरे पेज के जो इफेक्ट वगैरह हैं वो हैं। ठीक है, ये मार्जिन है, ये पेज का मार्जिन आपको कैसा रखना है, शीट का कितना रखना है, नैरो रखना है, जो रखना है, यहाँ से हम मार्जिन
करते हैं, फिलहाल इसको नॉर्मल रहने दें। ये पेज ओरिएंटेड है, ये शीट, हम शीट को लैंडस्केप में करेंगे या पोर्ट्रेट करेंगे, तो ये वो सारी चीज़ें। ये साइज़ है, ये हमारे शीट का साइज़ है, शीट को हम किस साइज़ में रखना है, A4 में रखना है, एक टैबलेट उसमें रखना है या लेटर में रखना है, तो ये शीट का साइज़ है। ठीक है, ये प्रिंट निकालने के लिए, अगर प्रिंट जब शीट तैयार हो जाए उसको प्रिंट भी हम निकालेंगे तो हम बताएँ, जिसको चेक करेंगे। ये बैकग्राउंड, आपको डाउन शीट का कोई बैकग्राउंड पेज पे कोई इमेज चाह रहे हो, आपके बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए पूरी शीट पर, तो यहाँ से हम कोई इमेज को सिलेक्ट करके कंसर्ट कर देंगे कि ये बैकग्राउंड पे आ गई इमेज, कंट्रोल सेट करके इसको बैक करेंगे। ये प्रिंट का टाइटल वगैरह है, और ये स्केल भी, सारी पेज की चीज़ें हैं। बहरहाल इनको आप छेड़ना नहीं, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक है। बस ये सारी पेज की सेटिंग है, प्रिंट टाइटल वगैरह, ये सब स्केल वगैरह, प्रिंट ग्रिड लाइन, व्यू हेडिंग, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। ये फॉर्मूला बार है, ये सारी फॉर्मूला बार है। ये फॉर्मूला बार अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला बार ये हम पढ़ेंगे। ये डेटा है सारा, ये वैसे तो ये यूज़ नहीं होगा आपका, क्योंकि ये आउटलुक में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज़ होता है जब डेटाबेस वगैरह हम बनाते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये हम उसके बाद, ये रिव्यू का टैब है, ये रिव्यू का टैब ये है कि सब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है हमारा पूरा, तो उसके बाद हमें उसको चेक करना पड़ता है, तो हम ये क्लिक करते हैं। तो ये स्पेलिंग्स का है, जैसे कि अगर मैंने कोई आर्टिकल वगैरह यहाँ टाइप किया, पूरा पूरा मैंने यहाँ कोई आर्टिकल वगैरह टाइप कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमें जो पेज में पूरे 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 पेज में जहाँ जहाँ जो गलती होगी वो सारी ये बताएगा, ये सारी गलती है, ये हमें बता रहा है कि ये आपकी शीट में ये जो आपने लिखा है ये गलत लिखा है, ये बता रहा है। उसके बाद हमने इसको इग्नोर वंस करेंगे। उसके बाद ये हमें पेज की दूसरी जो पेज पे मिस्टेक है ये वो बता रहा है। उसके बाद हम फिर इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर ऑल करेंगे तो ये सब पूरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बस स्पेलिंग में ये है कि पेज को करने के बाद इसको आप चेक कर लें, ये सारी पेज में जो मिस्टेक्स हैं सारी ये वो बताता है कि कौन से अल्फ़ाबेट की मिस्टेक है, कौन से वर्ड आपने गलत लिखा है, कौन सा आपने गलत लिखा है, वो सारी चीज़ें ये आपको बताता है। जैसे कि सारी चीज़ें को कट कर लेते हैं, ठीक है। देखें अब ये इसने सबसे पहले ये करा, ASD हमें शो कर दिया है कि ये ASD जो है आपने डिक्शनरी में नहीं है, गलत है। अब ये ASD की जगह ये सजेशन दे रहा है कि आपने शायद गलत लिख दिया हो, शायद ये हो सैड हो, एड हो, आस्क हो, ऐसा कुछ हो जिसको आपने गलत लिख दिया है, तो ये सजेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये एड वेड इसको साथ में शो कर, अब हम बोले नहीं भाई हमने सही लिखा है कि हमें इसी तरह लिखना है, तो हम इसको इग्नोर पे कर सकते हैं, इसको हमने इग्नोर पे कर दिया। उसके बाद फिर ये हमें दूसरा वो दिखा रहा है कि जो अली जो आपने जो लिखा है ये गलत है, ये हो सकता है डिक्शनरी में ये आ रहे हैं,
इनको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें रिसर्च हैं। कोई पेज में आपको कोई टेक्स्ट अगर सर्च करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे AST लिखा, उसको सर्च करा, तो ये इसने सर्च करा, फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा ये। अगली वीडियो में हम इसको चेक करेंगे, सर्च को प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद फिर हम इसको सर्च करके बताएंगे कि क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रांसलेट है, ये इसमें वर्जन में इसमें काम नहीं करेगा, ये ट्रांसलेटर है कि वर्ड हमने जो टाइप किया सारा इसको ट्रांसलेट किसी जबान में करना हो। वैसे तो फंक्शन सारे दिए हुए हैं लेकिन हमें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इन सब का काम ही नहीं है, क्योंकि ये इस पर हम एक्सेल शीट वगैरह बनाते हैं और ये सारे फंक्शन यूज़ करते हैं हम वर्ड में। वर्ड में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें ये सारे फंक्शन यूज़ करते हैं। ये इन्होंने दिए हैं कि कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ इसको कर सकते हो, लेकिन इसका कोई नहीं आएगा, ज़रूरत यूज़ नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हमारा सारा काम है वो हम वर्ड जब पढ़ेंगे तो वर्ड में करेंगे। ये सब ये सारे फंक्शन वर्ड में होंगे, ये एक्सेल में जो हम काम करेंगे वो सिर्फ स्टाइल शीट का काम करेंगे, डेटा वगैरह बनाने का काम करेंगे बस। अच्छा, और सबसे एक चीज़ ये है कि अगर आपने ये कोई चीज़ एक आपने अगर बनाया है, कोई नई शीट पे हमने बनाया, शीट पे हमारा भाई बहुत सारा हमने डेटा बना दिया, बहुत सारी शीट हमने अगर बना दी है, ठीक है, अब हम चाहें कि वो शीट कोई और ना देखे तो उसको हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमने इसको क्लिक किया प्रोटेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर दिया कि अलाउ यूज़र टू वर्कशीट, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है कि यहाँ पे हम जो पासवर्ड है हमने पासवर्ड यहाँ हम दे देते हैं कि जैसे अवेस मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा पासवर्ड देंगे अवेस, ठीक है, ये पासवर्ड लग गया। अब कोई यूज़र अगर हमारी शीट को ओपन करेगा तो वो सिर्फ देख सकता है कि इसमें क्या लिखा है, क्या कुछ चेंज नहीं कर सकता वो। जैसे ही वो इस पर क्लिक करके उसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको ये एरर शो हो जाएगा कि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली, सिर्फ हम इसे रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते जब तक हमें पासवर्ड पता ना हो। उसके बाद अब जब हमें इसको वो करें तो हम चाहें इसको चेंज करना तो हम इसको अनप्रोटेक्ट करके फिर हमें पासवर्ड लिखना पड़ेगा, जो मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड ओके करेंगे, उसके बाद हम इसे ये अनरीड हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये व्यू का ऑप्शन है, ये सारे पेज व्यू कस्टम व्यू किस तरीके से स्क्रीन हमें किस तरीके से नज़र आएगी, ये सारी चीज़ें एग्जेक्टर फंक्शंस हैं। मेन जो हमारा सारा काम है वो इंसर्ट का, पेज लेआउट का और होम का और फॉर्मूला का, वो अगली वीडियो में जो फार्मूला पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जितनी भी जो चीज़ें हैं जो हम प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट को जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएंगी कि इनका क्या इस्तेमाल क्या हो रहा है, सही तरीके में इसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था एक्सेल का इंटरफेस जो हमने अभी किया है, जो हमने पढ़ा है, ये सारा एक्सेल का इंटरफेस था। अगली वीडियो हम एक्सेल के फॉर्मूले को पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पे हमारा क्या इंट्रोडक्शन और इंटरफेस हमने आज कर लिया, अगली वीडियो में हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्टकट कीज, उसके बाद फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप और अगर किसी ने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी हो तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पहली वीडियो जो है जिसमें मैं सब उसके बारे में बताया था, उस वीडियो को जिसने नहीं देखी वो उस वीडियो को देख ले, थैंक्स।
ताकि उसको समझ में आ जाए प्रोग्राम वगैरह क्या है, क्या चीज़ें, ये एक्सेल है ठीक है। एक्सेल कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये वर्ड को शुरू करेंगे, वर्ड को पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल दो तीन, ये एक्सेल भी हमारा काफ़ी लंबा चलेगा, बहुत सारी काम इसमें करने हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है, तो ये है कि थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा। तो ये एक्सेल का इंटरव्यू था सारा, ये इंट्रोडक्शन यूजर इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अगर आपको कि मेरी वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो तो इसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरों को पता लगे, दूसरे भी देख पाएँ कि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। और अगर आप इसको और डिटेल में कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट है, वैसादम टेक्निकल, ये वेबसाइट है, इसमें सारे कोर्स हैं। एमएस ऑफिस, इसमें सारे कोर्स आपको मिलेंगे, जो बाकी जो कोर्स हैं जो मैं बनाता जा रहा हूँ वो आपको इस कोर्स में, यहाँ पे कोर्स में मिलेंगे। ये मेरा फेसबुक पेज है, इसे लाइक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें, जो भी कोर्स आए हैं सारे आपको मिलते रहें, इसे लाइक कर लें। वेबसाइट है, इसे विज़िट कर लें ठीक है। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है लोगों को देखने में, जो देखेंगे वो फिर रेंडरिंग में उनको प्रॉब्लम होगी कि वीडियो लंबी हो गई है, डाउनलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वीडियो का टाइम कम से कम रखूं, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूरी समझाने में उन्हें टाइम लग जाता है ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बस एक यही गुजारिश है आपसे, आप सबसे, कि जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कमेंट करें। कमेंट में मुझे कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाह रहे हो सीखना तो मुझे डिस्कशन फॉर्म में कमेंट करें करें कि ये चीज़ जो है ये रह गई, आपने ये फॉर्म ये चीज़ आपने कवर नहीं करी है, वो आप मुझे बताएं कमेंट करके, डिस्कशन फॉर्म्स पर वो करके, ताकि मैं उसे कवर करूं, देखूं कि कोर्स तो शुरू हुआ है, ये तकरीबन एक दो हफ्ते लग जाएंगे कोर्स कंप्लीट होने तक, तो ये कि आपके पास टाइम है, आप मुझे कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ में, ताकि वो मैं कोर्स में इंक्लूड कर लूं। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं सॉफ्टवेयर के बारे में, नहीं पता, जो नहीं इन्हें नहीं मालूम, उन्हें भी बताएं ताकि वो भी देखें, कोर्स शुरू हुआ है तो सभी देखें, जो देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उनको ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।